नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर की लाडगंज पुलिस ने चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में खड़े दो युवकों को गिरफ्तार करते हुए उनसे 12 लाख रुपए कीमत के 21 मोबाइल जब्त करते हुए कार्रवाई की है। संबंध में एसपी टीके विद्यार्थी ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत लाडगंज पुलिस को सूचना मिली कि दो युवक उजापूर्व बस्ती में चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में खड़े हुए हैं। सूचना पर दबिश देते हुए युवकों को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम राजा और करण डुमार बताए, जिनकी तलाशी लिए जाने पर उनके कब्जे से 21 मोबाइल कीमती 12 लाख रुपए के जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त थाना क्षेत्र में घूम घूम कर मोबाइल चोरी की वारदात अंजाम देते थे। वहीं मामले में पुलिस अधीक्षक तुषार कांत विद्यार्थी ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जहां भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो छात्र चोरों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने 21 मोबाइल फोन छात्र चोरों से बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं चोरों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। अभियान शिकंजा के तहत कभी मोबाइल जी सर दूसरे का भी चालू जी जी सर नकबजनों और चोरों को पकड़ने के लिए काम कर रही है। उस पर हमारे एडिशनल एसपी लगभग 16 वाहन अभी तक बरामद हो चुके हैं। इसी तरह से लोगों से इस प्रकार दोनों ग्रुपों में 12 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये ये हनुमान दाल और दूर में रहने वाले इसी तरह से लोगों से मौका देख के मोबाइल चुराने वाले दो साथी लड़के पकड़े गए हैं। इनसे 21 मोबाइल फ़ोन बरामद अभी तक हुए हैं। इसमें आईफोन जैसे 1.5 लाख का मोबाइल था, काफ़ी महंगा मोबाइल था, वो गड़ा से चोरी हुआ था, सिविल लाइन से भी चोरी हुए हैं। वो सारे 21 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं। इस प्रकार दोनों प्रकरणों में 12 लाख रुपये से अधिक का मशरूम का जब्त हुआ है। सर, इसमें ये जो जिन्हें चुराए हैं ये लोग कहाँ ये कुछ हनुमान ताल गोहरपुर है के रहने वाले हैं और जो मोबाइल चोर है वो लाडगंज क्षेत्र की रहने वाले। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।